डीसी साहब नूं ते डीपीओ साहब नूं परचा देना पैणा और इहनूं फांसी चढ़िया जाए। वो वाजिब कतल है, क्योंकि जो शख्स उसको खुद कतल करे अपने बेईमानी पर, मैं उसको 5 लाख रुपए इनाम दूंगा। 5 लाख रुपए का इनाम का ऐलान करते हैं जो मिर्ज़ा जेलमी को कतल करेगा। 100% मैं ऐलान करता हूँ। और ये यहूदों सारे इसके पीछे हैं, और ये मिर्ज़ाइयों के लिए काम कर रहा है। ये काफिर मुर्तद है, ये खत्म नबूवत का भी मुनकर है। और पूरा मुल्क अगर हम जाम करना चाहें तो जाम हो सकता है पूरा मुल्क। चाहते ही है कि कोई मुजाहिद मिलन चढ़ा दे मेरे ऊपर। तीनों मर्डर अटेम्प्ट करने वाले मुतासरीन ने टीएलपी, तीनों माफिया मांगे, बल्कि इधर ही सारा इश्क सूरज का निकल गया। सबसे बड़ा इल्जाम मेरे ऊपर बरेली देवबंदी वाले शिया ने ये लगाया, ये कादियानी है। ए गुलाम अहमद कादियानी दज्जाल ते शियाई कोई नहीं। ये फिर मैंने सिर्फ ये नहीं बताया कि मैं कादियानी नहीं हूं, मैंने ये बताया कि ये जो मुझे कादियानी कह रहे हैं ना, इनका एक अब्बा था जो अशरफ अली थानवी रसूलुल्लाह को एंडोर्स करके गया हुआ है और दूसरों के अब्बे ने चिश्ती रसूलुल्लाह पढ़वाया हुआ है। उस बंदे के बारे में जो सहाबा इकराम के फजाइल के ऊपर जिसके सबसे ज्यादा क्लिप है, बाद लोग जो हमें मशवरा दे रहे हैं ना कि जी वो जो हालात वाकयात बड़े हैं जी, आप मुल्क छोड़ जाए, ये कर दें, इनके बाप का मुल्क है, छोड़ के चले जाए, इनको पता ही नहीं मेरी तबीयत का, ये इस चक्कर में थे कि हम ये करेंगे तो ये ठंडा पड़ जाएगा। द डैमेज हैज बीन डन, जो डैमेज आपको पहुंचना था आपके सदियों के खड़े हुए फिरकों को वो पहुंच चुका है। अब इस डैमेज की रिकवरी का मेरी जिंदगी या मेरे मुल्क में रहने या ना रहने से कोई ताल्लुक नहीं है। और मौलवियों तुम लोग कान खोल के सुन लो, तुम लोग भी सुन लो, तुम जो मर्जी कर लो, मैंने पाकिस्तान नहीं छोड़ना जब तक के तुम्हारे आखिरी फिरका प्रेस कब्र में नहीं चला जाता और मैं उसकी कब्र पे यूं विक्ट्री का निशान बना के नहीं खड़ा होता। ये कोई जाकिर नायक नहीं है जो बाहर चला जाएगा, हां जी इसके नाम में अली आता है और अली बनो भैया के साथ कंप्रोमाइज नहीं करता। बिल्कुल बोल वही जो हक है, टाइम क़यामत तक। के मरने से पहले हम मुसलमान कर ले इस पे गौर, किताबों का खुदा और है, बाबों का खुदा और। कहने को तो दीन सब का इस्लाम है, लेकिन किताबों का जहां और है, बाबों का जहां और।